वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा में भर्ती में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करने का आरोप है। विधानसभा सचिव पद पर भी गलत तरीके से प्रमोशन का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जानकारी आपको दे दें, देहरादून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है इन बेरोजगार युवाओं की? मुझे देखिए, अभी हाल ही में विधानसभा में कुछ भर्तियां की गई हैं, उसमें 35 भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी को विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए गए थे, उसी के माध्यम से भर्ती की गई थी। लेकिन उन 35 पदों पर अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उससे पहले ही विधानसभा में ऐसी जानकारी मिली है कि RTI के माध्यम से कि तकरीबन 78 बच्चों की भर्तियां बैकडोर से की गई, जो ओपनल और अन्य माध्यम से है। उनमें अधिकतर नाम ऐसे हैं जो भाजपा के बड़े नेताओं के करीबी हैं, या उनके प्यारों रहे हैं, या फिर अधिकारियों के करीबी हैं, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। कुछ बेरोजगार बच्चे भी इसमें शामिल थे, और एक स्वराज से बदल जो यहाँ काम करता है उनके लोग भी इसमें शामिल थे। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि विधानसभा में 78 पदों पर जो भर्तियां की गई हैं वो बैकडोर से की गई हैं, उनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम बेरोजगार युवाओं ने विधानसभा में नौकरी के लिए आवेदन किया था, उन बच्चों के ना तो एडमिट कार्ड मिले और ना ही उनसे परीक्षा कराई गई। लेकिन उसके अलावा जो 35 पद जिनको भर्ती के लिए निकाला गया था उनके रिजल्ट भी रोक दिए गए, और 78 पदों पर अलग से भर्ती की गई। तो ये तमाम तरह की इसमें धांधली के आरोप लगाए गए हैं, और ये कहीं ना कहीं RTI के माध्यम से भी खुलासा हुआ है कि जिन 78 लोगों की इसमें भर्ती की गई है वो किसी कहीं ना कहीं रसूखदार लोगों की करीबी है, उन्हीं को इसमें भर्ती किया गया है। तो इसको लेकर ही आज तमाम लोग, तमाम अन्य संगठन के लोग यहाँ मौजूद थे, और उन्होंने तो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। ठीक है, शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए।